तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कैसे हमें ईयरली के केस में पेंडिंग मंथ्स की जो अमाउंट फीस है वो हमें कैप्चर्ड करनी है, चार्ज करनी होगी, तो कट करेंगे उसको। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना है कहाँ पर, आपके एक कंट्रोलर में। कंट्रोलर में जहाँ पर आपको पता है कि हमने यहाँ पर वर्किंग की हुई थी लास्ट लेक्चर में, तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं, इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, जहाँ पर हम बेसिकली मेथड कॉल कर रहे थे, ये जहाँ पर हमने मंथली सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग का चेक कर लिया था। अब हम आ जाते हैं अपने हेल्पर मेथड के अंदर। हेल्पर मेथड जो था हमारा, सॉरी हेल्पर, तो यहाँ पर अब हमने मंथली पेंडिंग फीस भी क्रिएट किया था, तो ये मंथली सब्सक्रिप्शन स्टार्ट है। तो ये था मंथली पेंडिंग फीस। तो जस्ट मैं इसका कैप्चर, सॉरी इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को सेम ईयरली के केस में भी बनाना होगा। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और मैं नीचे आकर के इसको सेम टू सेम पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि सारी की सारी जो कोड की इंटरनली जो कोड है वो सेम रहेगा, बस कुछ चेंजेस होंगे इसमें। हम पेंडिंग फीस जो है मंथली का काटेंगे मंथ बेस पर। तो यहाँ पर आ जाएगा कैप्चर ईयरली पेंडिंग फीस। यहाँ पर हम क्या लेंगे, कस्टमर आईडी, यूजर आईडी एंड आपका यूजर नेम हो गया, सब्सक्रिप्शन प्लान हो गया, ये बिल्कुल परफेक्ट है। बट यहाँ पर आपका अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम प्लान अमाउंट ले रहे थे, प्लान अमाउंट हमारा सही रहेगा, इनको हम कंसोल्स को हटा देते हैं क्योंकि अब इनका काम नहीं है। तो यहाँ पर अब हमें लेना होगा कि लाइक जो हमारा वेरिएबल है कि मंथ्स इन अ ईयर, जैसे हमने यहाँ पर लिया हुआ था डेज इन मंथ, मीन्स मंथ के अंदर कितने डेज हैं। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एक वेरिएबल लाइक मंथ्स इन ईयर, कि एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, आपको पता है 12 होते हैं, ये हम स्टैटिक प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर हमें प्रोवाइड करना होगा यहाँ पर करंट मंथ, या आप देखिए बेसिकली मैं क्या करूँगा, ईयर जो हमारा ईयरली सब्सक्रिप्शन हम बाय करने जाएंगे, जब हम ईयरली का जो अमाउंट चार्ज करेंगे तो उसमें बेसिकली जो हमारा मंथ है करंट मंथ, उसका भी हम चार्ज करेंगे, क्योंकि तो हमें करंट मंथ का तो चार्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि यूज़र का करंट मंथ ले लेते हैं, चार्ज कैप्चर कर लेते हैं, बाकी प्रीवियस मंथ नहीं लेते हैं। जैसे अभी चल रहा है मई, तो हम मई का कैप्चर कर लेंगे, अप्रैल का नहीं लेंगे। तो हम देखिए यहाँ पर किस तरीके से वर्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक करंट डेट करके, जिससे हम बेसिकली मंथ निकाल लेंगे। तो इज इक्वल टू न्यू डेट, एंड डेट यहाँ पर हमारे को करंट डेट से हमें मंथ मिल सकता है, तो करंट डेट डॉट गेट मंथ। अब आपको पता है कि मंथ हमेशा ये जो है जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होती है इसकी, तो जीरो पर हो गया आपका जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं +1 करता हूँ तो मेरा ये क्या कहलाएगा, करंट मंथ मीन्स मई कहलाएगा। अगर मैं +1 नहीं करता हूँ तो यहाँ पर ये मेरा कहलाएगा अप्रैल, मीन्स ये प्रीवियस मंथ कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लाइक एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक प्रीवियस मंथ करके। तो अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस मंथ तक को हटा देंगे और बाकी जो हमारा ये जो मंथ है इसका अब हम कैप्चर कर लेंगे चार्ज। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका मंथ इन ईयर, सेम रहेगी प्रोसेस, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रीवियस मंथ। तो यहाँ पर ये हमें बेसिकली लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रीवियस मंथ जो भी आपका रहा है, इसमें होगा आपका अप्रैल, अभी जो मई चल रहा है उस हिसाब से। तो एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लान अमाउंट, एंड यहाँ पर भी आ जाएगा आपका मंथ इन ईयर। तो जो भी आपका ईयर का चार्ज बनता है मंथली बेसिस पर वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपका यहाँ पर 12 है और जो भी अमाउंट बनेगा तो उससे डिवाइड होकर के जो भी आपको बेसिकली प्राइस मिलेगा उसका इनटू हो जाएगा आपका जो भी आपका मंथ्स इन ईयर, मीन्स 12 माइनस जो कि आपका 4 आएगा यहाँ पर। तो जो भी हमारा चार्ज होगा वो प्रॉपर हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो है हमें एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक अंडरस्टैंडेबल करने के लिए, लाइक अमाउंट फॉर रेस्ट डेज था, अब यहाँ पर हम बना लेते हैं अमाउंट फॉर रेस्ट या अमाउंट फॉर मंथ्स कर लेते हैं, अमाउंट फॉर मंथ्स। एंड यहाँ पर सेम टू सेम चलेगा अमाउंट फॉर मंथ्स इनटू 100, एंड यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं लाइक ईयरली पेंडिंग फी चार्ज्ड, प्रॉपर है। एंड यहाँ पर आपकी कस्टमर आईडी चली जाएगी, यूजर नेम, बाकी सारी की सारी डिटेल सेम रहेंगी। और यहाँ पर भी आपका जाएगा आई थिंक मैंने कॉपी ऑलरेडी कर रखा है,
यहाँ पर ये मैंने अमाउंट फॉर मंथ्स कर दिया। पेंडिंग फीस कैप्चर हो करके यहाँ पर सेव हो जाएगी आपके डीवी में। और अब हम जो है टेस्टिंग के लिए रेडी हैं, तो इसको हम टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे? सबसे पहले मेरे को ये मेथड जो है एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, तो एक्सपोर्ट हम कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैंने किया एक्सपोर्ट, एंड इसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए। अभी हम आपको पता है कि यही यूज़ कर रहे हैं, एंड यहाँ पर जाएगा यूज़र आईडी, फिर नेक्स्ट जाएगा टेस्ट करने के लिए लाइक यूज़र डेटा डॉट नेम। तो यूज़र आईडी के बाद नेम है यहाँ पर। अगर हम एक बार चेक करें अपना मेथड, तो यहाँ पर यूज़र आईडी, फिर आता है आपका यूज़र नेम, फिर आपका आता है सब्सक्रिप्शन प्लान। प्रॉपर है। अब टेस्ट करते हैं हम इसको। कैसे टेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। टोकन हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो टोकन के हमें यहाँ से निकाला हमने टोकन, एंड यहाँ पर हम आते हैं और क्रिएट सब्सक्रिप्शन में हम बियरर टोकन प्रोवाइड करते हैं। अभी क्या यहाँ पर अभी देख सकते हो, अभी कोई भी ऐसी मंथली पेंडिंग फीस ही चार्ज हुआ था लास्ट जो था हमारा। बट यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ईयरली पेंडिंग फीस आएगा अभी चार्ज जो भी होगा। एंड कैसे आएगा वो, अब हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं कार टोकन। तो जनरेट पर मैंने क्लिक किया, टोकन जनरेट हो गया। क्रिएट सब्सक्रिप्शन पर आते हैं, कार डेटा हम अपडेट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है आपकी ये जो बेसिकली प्लान आईडी है, एक बार मेरे को मोंगो भी ओपन करना पड़ेगा। मैंने मोंगो ओपन नहीं किया था, तो चलो यहाँ से मेरे को प्लान मिल जाएगा। प्लान से ही मैं गेट कर लेता हूँ, वरना मेरे को वहाँ से गेट करना पड़ता। तो मेरे को यहाँ से गेट प्लान के लिए टोकन डालना पड़ेगा, गेट प्लान, एंड यहाँ से मैंने टोकन डाला। और अब हम चेक करते हैं, अरे यहाँ से भी जा रहा है ना, इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा ईयरली का प्लान आईडी थी ये, तो ये हमें बेसिकली प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्रिएट सब्सक्रिप्शन में। तो मैंने प्रोवाइड कर दिया, सेंड करता हूँ यहाँ से, देखते हैं कि अब क्या होता है। तो चार्ज हो गया, देख सकते हो तो यहाँ पर चार्ज आया, 67 अमाउंट जो है चार्ज हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करते हैं, तो चेक करते हैं इसके लिए क्या होता है। इसको हम करते हैं क्लोज, यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ। अभी पता चलेगा डेटाबेस में बेसिकली आपकी एंट्री गई होगी। तो यहाँ पर आपका है सब्सक्रिप्शन ऐप, सब्सक्रिप्शन ऐप में पेंडिंग फीस, पेंडिंग फीस में यहाँ पर अगर आप आओ लास्ट में, तो यहाँ पर दो ही थे बेसिकली। यहाँ पर देख सकते हो आपका 67 अमाउंट चार्ज हो चुका है। यहाँ पर भी एक बार हम जो है देख लेते हैं प्रॉपर कि क्या बेसिकली आया है या नहीं। तो सक्सेस के अंदर देख सकते हो, या आप ऑल के अंदर भी देख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो सक्सेस के ऊपर देख रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पर आपका $67 जो है चार्ज हुआ है, ईयरली पेंडिंग फीस चार्ज, और ये बेसिकली मेल। तो आपका बेसिकली चार्ज जो है प्रॉपर तरीके से ऊपर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हमें ईयरली सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करनी है और कैसे बेसिकली उसमें वर्किंग करना है। थैंक यू।